क्या कहाँ जाओगे? अरे मेरे को नहीं जाना पड़ रहा है भाई, तुम दादू मार। तो दोस्तों ये देख सकते हो, क्राउड ही क्राउड है स्टेशन पर सारे। दोस्तों फाइनली हम बुरहानपुर से नागपुर पहुंच चुके हैं, और यार नागपुर आने के बाद अगर वर्ड्स पर आए हैं तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पॉइंट है कि इंसान के लिए वो हो जाता है कि रूम ढूंढना रुकने के लिए, क्योंकि सारे लॉज इस वक्त फुल हो जाते हैं और रूम मिलना मुश्किल हो जाता है। तो हमें एक छोटा सा ये रूम मिला है, आप देख सकते हो, और यहाँ पर इस छोटे से रूम में हम अभी फ्रेश होएंगे और फिर उसके बाद दरगाह घूमने जाएंगे। तो ये आप देख सकते हो, इस रूम का नजारा मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना छोटा सा रूम है और इस छोटे से रूम के अंदर एडजस्ट करना पड़ रहा है। ये छोटा सा रूम है जिसमें केवल एक पंखा है, 3 बेड है और 10 लोग हैं। तो इस रूम के अंदर एडजस्ट करना पड़ रहा है आज, और ये सारे हमारे साथी है। तो दोस्तों अगर आप भी आओ तो रूम का जुगाड़ पहले से करके आइए ताजुद्दीन दिन के लिए, और मिलते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं ताजबाग जियारत करने, नमाज अदा करेंगे और जियारत करेंगे। तो चलिए, ये गाड़ी देख रहे हैं आप, ये दो गाड़ी है हमारी, ये दो गाड़ी करी हमने, इस गाड़ी से जाएंगे और बाबा ताज के दरबार में जियारत करेंगे और वहीं मस्जिद है, वहाँ नमाज अदा करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। क्या कहाँ जाओगे? अरे मेरे को नहीं पता है भाई, तुम दादू मार। बाबा ताजुद्दीन के दरबार ताजबाग। दोस्तों काफी मजा आने वाला है और हमारे सारे साथी लोग मौजूद है, और ये नागपुर का ये नजारा देख सकते हो आप। दोस्तों यार अभी नागपुर पहुंचे हैं और दरगाह तक पहुंचे नहीं के हमारे एक साथी, और अभी कॉल आ रहा है कि एक और साथी का मोबाइल चोरी हो चुका है। तो आप जब भी अगर नागपुर आए ना तो अपने चीजों का ख्याल जरूर रखें, और ये हमारे साथियों के लिए बड़ी बेहद अफसोसनाक खबर है कि हमारे साथियों के 30-30 और 40-40 हजार रुपए के मोबाइल जो है तो चोरी हो चुके हैं यहाँ पर। तो आप अपने सामान का अगर आते हो नागपुर तो, या फिर कहीं भी जाते हो तो अपने सामान का ख्याल जरूर रखें। तो दोस्तों ट्रैफिक यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए जो हमारी गाड़ियाँ हैं वो एक चौक से पहले ही रोक दी, और यहाँ से ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पैदल जाना पड़ रहा है, और आप देख सकते हो पूरा रास्ता भरा पड़ा है, लदबद रास्ता भरा पड़ा है। और अभी शाम में यहाँ पर संदल है, और यहाँ पर ये सारी पब्लिक आप देख सकते हो, जगह जगह पर लंगर बढ़ रहे हैं, लोगों ने अपने लंगर के टेंट लगाए हुए हैं आसपास, और साथ ही साथ जो दरगाह का आम लंगर है वो दरगाह के अंदर वो भी मौजूद है। तो चलिए आगे चलते हैं और करीब से नज़ारा दिखाते हैं आपको।